हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीखो सिखाओ इंडिया वाले में और फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रांड विटारा टॉप मॉडल की। टॉप मॉडल में भी रहने वाला है अल्फ़ा टॉप मॉडल। कुछ इस तरह आप एल शेप में इसका लुक देख सकते हैं। एल शेप में कुछ इस तरह दिखाई देती है ग्रांड विटारा। तो ग्रांड विटारा के सामने से लुक आपने देख ही लिया है, काफ़ी अच्छा लुक है। ये गाड़ी आपको नेक्सा शोरूम पर देखने को मिल जाएगी, जिसका एक शोरूम प्राइस रहने वाला है 15,39,000। ये गाड़ी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में एसयूवी बॉडी के साथ में आपको मिल जाती है, 1462 सीसी के इंजन के साथ। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो 21.11 का माइलेज आपको ये दे देती है। और इसी के साथ फ्रंट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको LED पोजिशन हेडलाइट देखने को मिल जाएगी और आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। और यहाँ मिल जाएगी आपको ग्रिल पर क्रोम फिनिशिंग, सुजुकी लोगो कुछ इस तरह रहने वाला। ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगी सिल्वर स्किड प्लेट, यहाँ आपको देखने को मिलने वाली है दोस्तों। इस तरह आपको साइड प्रोफाइल देखने को मिलने वाला है। तो साइड प्रोफाइल में आप देख लेते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो साइड प्रोफाइल में आपको गाड़ी की लेंथ 4345 mm, विड्थ 1795 mm और हाइट 1645 mm देखने को मिल जाती है। और अगर टायर साइज़ की बात करूं तो एलॉय व्हील डिस्क ब्रेक के साथ में टायर साइज़ 17 इंच का रहने वाला है। और अगर बात करूं ORBM की तो बॉडी कलर ORBM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल रहने वाला है। और ORBM में ही आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। ये कैमरा आपको दिख रहा होगा, ये कैमरा है। बॉडी कलर डोर हैंडल रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाएगा। फोर पिलर पर आपको ब्लैक टेप की कोडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी क्रोम फिनिशिंग दोनों डोर पर। फ्यूल कैपेसिटी देखी जाए तो 45 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और कुछ इस तरह रहने वाला है ग्रांड विटारा का रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो इंटीग्रेटेड एंटीना, डिफोगर, बासर, वाइपर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। सुजुकी लोगो। और टेल लाइट की बात करूँ तो फुल LED टेल लाइट यहाँ आपको देखने को मिलने वाली है। सुजुकी लोगो, ग्रांड विटारा, हाइब्रिड, टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। रियर प्रोफाइल में भी आपको सिल्वर स्क्रिप्ट देखने को मिल जाती है। चार पार्किंग सेंसर यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। तो ग्रांड विटारा में बूट स्पेस आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। बूट स्पेस की अगर साइज़ की मैं बात करूं तो 373 लीटर का बूट स्पेस आपको यहां मिल जाता है। और हेलोजन लाइट भी आपको बूट स्पेस में देखने को मिल जाएगी। और अगर बात की जाए टायर साइज की यानी स्पेयर व्हील, तो स्पेयर व्हील आपको 17 इंच का यहाँ देखने को मिल जाएगा। और ये था ग्रांड विटारा का बूट स्पेस। रियर प्रोफाइल के साथ साथ आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है और रियर प्रोफाइल से फ्रंट प्रोफाइल का नज़ारा कुछ आपको इस तरह देखने को मिल जाएगा। अगर इंटीरियर की बात की जाए तो कुछ इस तरह आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा ग्रांड विटारा का। काफ़ी स्पेसियस इंटीरियर है। आप यहां देख सकते हैं ड्राइवर साइड विंडो, पावर विंडो रहने वाली है। तो इंटीरियर में अगर ड्राइवर डोर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको ऑटो कंट्रोल बटन देखने को मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक बटन देखने को मिल जाएंगे, ORBM एडजस्टेबल बटन यहां आपको देखने को मिल जाएगा। और क्रोम फिनिश में आपको डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है। और यहाँ रहेगा आपका स्टार्ट स्टॉप बटन। यहाँ AC बैंड पर आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। यहाँ सर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ आपको मिल जाएगा हेडलाइट कंट्रोल बटन। अब बात कर लेते हैं स्टेयरिंग की। तो पावर स्टेयरिंग रहने वाली है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग यहाँ आपको देखने को मिलने वाली है। और स्टेयरिंग में ही आपको कॉलिंग कंट्रोल बटन, ऑडियो कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। और यहाँ अगर मीटर की बात करूँ तो MID मीटर यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर और RPM मीटर यहाँ मिल जाता है। और बीच में मिल जाती है आपको डिस्प्ले। और यहाँ आपको 9 इंच टच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। और यहाँ AC वेंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ सिल्वर फिनिशिंग भी आपको मिल जाती है। और ये रहेगा डोर। और यहाँ पर आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC बटन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ 12 वोल्ट एसेसरीज आउटलेट, USB कनेक्टर। और ये रहेगी आपकी, ये रहेगी विटारा ब्रेजा की कुछ इस तरह चाबी। और यहाँ वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाएगा। यहाँ मिल जाएगा आपको 5 स्पीड नॉब देखने को मिल जाएगी क्रोम फिनिश के साथ। चारों तरफ आपको यहां देखने को मिलने वाली है ब्लैक फिनिशिंग। यहां पर आपको कप होल्डर देखने को मिल जाता है। और यहां आपको हैंड रेस्ट देखने को। डैशबोर्ड की बात करूं तो सिल्वर फिनिश, सिल्वर गार्निश के साथ में आपको डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। के साथ में डुअल टोन दिया गया है। बात करी जाए को ड्राइवर साइड डोर की तो यहाँ पर भी आपको लेदर लुक देखने को मिल जाता है दोस्तों। होल्डर और
पेपर होल्डर यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। ग्लोव बॉक्स की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स भी दिया गया है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर वैनिटी मिरर के साथ साथ इसमें यहाँ लाइट देखने को मिल जाएगी आपको। और इसी साइड और ड्राइवर साइड की बात करूँ तो ड्राइवर साइड सनवाइजर भी विद वैनिटी मिरर रहने वाला है और यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं रूफ लाइट की, तो यहाँ पर भी आपको रूफ लाइट देखने को मिल जाती है दोस्तों। सीट की अगर बात करूँ तो लेदर में सीट रहने वाली है और यहाँ और ड्राइवर साइड सीट एडजस्टेबल सीट रहेगी, यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं गाड़ी के यूनिक फीचर सनरूफ की, तो पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर बटन को एक बार क्लिक करेंगे तो सन गाइड ओपन हो जाएगा और दोबारा बटन को क्लिक करेंगे तो सन ग्लास ओपन हो जाता है दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा सन ग्लास किस तरह से ओपन हो रहा है, बहुत ही स्मूथ और ना ही कोई इसमें आवाज़ है। अब इसको वन क्लिक करेंगे तो सन ग्लास क्लोज हो जाएगा, सेकंड क्लिक करते हैं तो सन गाइड भी क्लोज हो जाता है। तो ये था विटारा का पैनोरामिक सनरूफ। और अब बात कर लेते हैं रियर केबिन की, तो रियर केबिन की सीट में आपको तीन हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, हेडरेस्ट एडजस्टेबल रहने वाले हैं और सीट के बीच में आपको टू कप होल्डर देखने को मिल जाता है दोस्तों। और सीट की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी स्पेशियस सीट है, काफ़ी आरामदायक सीट नज़र आ रही है और ये सीट लेदर में रहने वाली है। और अगर बात करूं रियर डोर की, तो रियर डोर पर भी आपको लेदर लुक देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एसी वेंट देखने को मिल जाएंगे, एसी वेंट पर भी सिल्वर फिनिश दी हुई है और यहाँ पर आपको चार्जर देखने को मिल जाएंगे, सी टाइप चार्जर और नॉर्मल चार्जर। और यहाँ ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा और यहाँ आपको हेलोजन लाइट भी देखने को मिल जाती है।